नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर जीके से संबंधित। आपके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो अभी तक हम लोग 6 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 7वां टेस्ट है। याद रखिए, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि टेस्ट हो या फिर परीक्षा, तभी दी जाती है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या हमारी तैयारी अच्छे लेवल पर पहुँच जाती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्यूटर साइंस को या कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल के साथ नहीं पढ़ा है, तो उसे पहले पढ़ लें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो हमें उससे अपनी औकात पता चलेगी। क्या औकात पता चलेगी कि हमारी तैयारी आखिर पहुंची कहाँ है और हम परीक्षा देने लायक हुए भी हैं या नहीं। तो हम लोगों ने भी आपका कवर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस पूरा। तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें आपके 15 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, प्लस 25 आपके मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे। इतना अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से, फिर चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 7वें टेस्ट में। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए सहायता करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है? तो ये आपका यूटिलिटीज, बी ऑप्शन सही है। क्या है दूसरे में? बी ऑप्शन सही है। याद रखिए, आप लोगों को मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन से देखते हैं, जब पेपर देने जाते हैं तो हम वहाँ हड़बड़ा जाते हैं, तो आते हुए भी हमारे हमसे कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट आपके लिए ज़रूरी रहता है। तो जैसे भी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, आपको लगने लगे कि आप पेपर देने की हालत में हो गए, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगा कर लिया करिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसका कार्य क्या है? उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, सही है। प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, ये भी है। प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करना कराना, ये भी सही है। तो इसमें होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? डी, ए बी सी तीनों कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्वेश्चन है हमारा 4। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? जो नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एमएस वर्ड नहीं है। ठीक है, तो 4 में आपका डी, 3 में डी था, 4 में भी आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा 5। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस डॉस, एमएस वर्ड, ये नहीं है। क्या होगा इसमें? बी, लिनक्स है, विंडोज भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 6वां। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा 7।
यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाली इंटरैक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस। सात क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। 9। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? डॉस। 9 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो 10 में आपका क्या होगा? लिनक्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 11। निम्नलिखित में से प्रोप्राइटरी मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स। 11 में आपका ए होगा। 12। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? लिनक्स, सी ऑप्शन सही होगा 12 में। ठीक है। क्वेश्चन है 13। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? कर्नल। 13 में आपका ए होगा। 14। एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक। 14 में आपका ए है। 15। ओरेकल द्वारा अधिकृत ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है? सोलेरिस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 16। एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। 16 में क्या होगा? बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 17 में आपका बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। फिर हमारा 18 क्वेश्चन। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है, कर्नल डेटा का प्रबंध करता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ई होगा। 19। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 19 में बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 20 में क्या होगा? सी ऑप्शन।
क्वेश्चन है हमारा 21, यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। 21 में आपका ए होगा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारा 22, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपका बी होगा, 22 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है हमारा 23, एप्पल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस 8.06, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा 23 में। फिर हमारा 24, यूनिक्स की मुख्य भाषा है? असेंबली, सी ऑप्शन सही होगा 24 में। 25, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 25 में आपका क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 26, बीटा वर्जन है? विंडो विस्टा का। 26 में आपका बी होगा। 27, यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1969 में, डी ऑप्शन सही होगा। 28, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है, बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। 28 में आपका सही होगा। 29, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग। 29 में आपका सी होगा। 30, सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? यूनिक्स, सी ऑप्शन 30 में सही होगा, ठीक है। 31, लिनक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। 31 में आपका डी होगा। 32, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? कोल्ड व वार्म बूटिंग। क्या है? ए ऑप्शन सही है 32 में। 33, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ व्यतीत होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग। 33 में, ठीक। 34, जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश
डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। ए ऑप्शन सही है, 34 में आपका ए है। पैंतीस, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। आसान व छोटे कार्यों के लिए, 35 में आपका सी है। 36, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। बी ऑप्शन सही है। 37, कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ए ऑप्शन सही है। 37 में क्या है? ए ऑप्शन सही है। 38, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। 38 में आपका ए है। 39, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। क्या है 39 में? ए है। 40, ओएस का प्रमुख कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है प्रोसेसिंग प्रबंधन, इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? ई। 40 में ई होगा, उपयुक्त सभी। 41, गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। डी ऑप्शन सही है। 42, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है? डॉटो। 42 में क्या होगा आपका? बी। 43, यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। बूट रिकॉर्ड। ए ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। 43 में। 44, निम्न में से कौन सी एमएस डॉस की एक्सटर्नल कमांड नहीं है? इसमें होगा डी, डी आई आर, डी ऑप्शन होगा। 44 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 45, डॉस में एमएस एमडी कमांड प्रयोग होती है। डॉस में एमडी कमांड प्रयोग होती है डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए। 45 में आपका ए है, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका 7वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग टेस्ट 8 के बारे में बात करेंगे।